हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज के वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान सिद्धार्थ जी के इस कमेंट को। सिद्धार्थ जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग PNB MetLife इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे संबंधित वीडियो पहले से ही चैनल पे उपलब्ध है, जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट का लिंक आपकी सुविधा के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न और सुझाव के अनुसार लगातार आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। आज के वीडियो में हम PNB MetLife इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड सेविंग्स प्लान के बारे में जान रहे हैं। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आप जो प्रीमियम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इससे आशय है कि प्लान के अंदर जो भी बेनिफिट होंगे वो गारंटेड होंगे, जो कि प्लान लेते वक्त ही आपको पता चल जाते हैं। अब क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्लान है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होती है तो उनके परिवार को यहाँ पे डेथ क्लेम बेनिफिट दिया जाता है। किस तरीके से बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे आगे चल के समझेंगे। अभी हम जानेंगे PNB MetLife इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड सेविंग्स प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस प्लान के अंदर आपको जो पॉलिसी टर्म मिलता है वो 10 साल से लेके 20 साल का मिल जाता है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल, 7 साल, 10 साल, 3 ऑप्शन मिलते हैं। बात आती है एंट्री एज लिमिट की। अगर 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आप चुन रहे हैं तो कम से कम एंट्री एज लिमिट होगी 8 साल, बाकी 7 साल और 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 3-3 साल का ही एंट्री एज लिमिट है। मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है 60 साल की और जो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज का लिमिट है प्लान में वो रखा गया है 75 साल का, ठीक है जी। बात आती है यहाँ पे मिनिमम सम अजॉर्ड के लिमिट की, तो वो है 1.5 लाख रुपए का और जो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है वो है सालाना 14,178 रुपए का, ठीक है। बाकी आपको पता है कि मैक्सिमम प्रीमियम का जो लिमिट होता है डिपेंड करता है सम अजॉर्ड पे और आपकी आयु पे। अब बात करते हैं PNB MetLife के गारंटेड सेविंग प्लान के बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पे आपको मिलता है सम अजॉर्ड और मेच्योरिटी के साथ में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन, राइट। अब ये जो सम अश्योर्ड एंड मेच्योरिटी है ये क्या है, ये आपके बेसिक सम अश्योर्ड का एक निश्चित प्रतिशत होता है। अगर आपने 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है तो आपके बेस सम अश्योर्ड का 70% होगा सम अश्योर्ड एंड मेच्योरिटी। अगर 7 साल का प्रीमियम है यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो जितना आपका सम अश्योर्ड होगा उतना ही होगा आपका सम अश्योर्ड एंड मेच्योरिटी। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 130% होगा सम अश्योर्ड एंड मेच्योरिटी। बात आती है गारंटेड एडिशन की। 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो आपकी जो प्रीमियम आप पे करते चले जाएंगे उसके ऊपर 5-5% हर साल ये गारंटेड एडिशन मिलता रहेगा प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान। 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 7% की दर से मिलेगा और 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में जैसे जैसे आप प्रीमियम पे करते जाएंगे उसका 10-10% आपको मिलता चला जाएगा गारंटेड एडिशन केवल प्रीमियम पेमेंट टर्म के तक, राइट। कैसे मिलेगा उदाहरण ले लेते हैं PNB MetLife के गारंटेड सेविंग प्लान के मेच्योरिटी बेनिफिट का। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया यहाँ पे 20 साल का और 10 साल का लिया प्रीमियम पेमेंट टर्म। सालाना वो 50,000 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो इसके अनुसार इनको जो यहाँ पे बेसिक सम अश्योर्ड मिल जाएगा वो होगा 5,56,917 रुपए का और जो सम अश्योर्ड एंड मेच्योरिटी फैक्टर अप्लाई होगा यहाँ पे वो होगा 130% और जो गारंटेड एडिशन का रेट अप्लाई होगा वो होगा 10% का, ठीक है जी। तो अब हम मान लेते हैं कि मेच्योरिटी तक ये सर्वाइव कर गए तो सम अश्योर्ड एंड मेच्योरिटी क्या होगा, 5,56,917 रुपए जो कि बेस सम अश्योर्ड है उसका 130% जो कि हो जाएगा 7,23,992 रुपए 10 पैसे। अब हम निकालेंगे यहाँ पे अक्योर्ड गारंटीड एडिशन। पहले साल में 50,000 रुपए का प्रीमियम पे किया जाएगा तो उसका 10% निकाल लेंगे तो 5,000 रुपए हो जाएगा। दूसरे साल पे फिर 50,000 का प्रीमियम पे किया जाएगा तो टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 1,00,000 रुपए, 1,00,000 का 10% निकालेंगे 10,000। तीसरे साल पे फिर प्रीमियम पे किया जाएगा तो टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, उसका 10% निकालेंगे फिर हो जाएगा 15,000। चौथे साल पे फिर प्रीमियम पे करेंगे तो 2,00,000 रुपए का टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा, उसका 10% निकालेंगे 20,000 हो जाएगा। पांचवे साल पे प्रीमियम पे करेंगे तो टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 2.5 लाख, उसका 10% निकालेंगे तो 25,000 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे गारंटेड एडिशन की आप कैलकुलेशन करेंगे अंडर द प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म तक ही आपको कंप्लीट करने तक मिलता है, यानी कि जब तक प्रीमियम पे करते हैं तब तक ही मिलता है गारंटेड एडिशन। यहाँ पे हम सम कर लिया तो हमारा 2,75,000 रुपए के आसपास यहाँ पे अक्योर्ड गारंटीड एडिशन आ जाएगा। अब 2,75,000 को सम अश्योर्ड एंड मेच्योरिटी में हम जोड़ देंगे 7,23,992 रुपए 10 पैसे में तो 9,98,000
992 रुपये 10 पैसे का ये अमाउंट हो जाएगा। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट के रूप में सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन मिलेगा। अब ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता है? सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए सालाना बेस प्रीमियम का गुणा करना पड़ेगा डेथ बेनिफिट फैक्टर के साथ, फिर इसका कंपैरिजन करना होगा जो बेस प्रीमियम पे किया जा चुका है टोटल टिल द डेट ऑफ डेथ तक, उसका 105% निकाला जाएगा, फिर बेस सम अश्योर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, तीनों में से जो भी ज्यादा होगा उसी को आप सम अश्योर्ड ऑन डेथ कहेंगे। हम मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 10 साल बाद हो गई, तो 10 साल में 50,000 रुपए सालाना दर से टोटल पेड प्रीमियम कितना हो जाएगा? 5,00,000 रुपए का, ठीक है जी। अब जो डेथ बेनिफिट फैक्टर यहाँ पे आएगा वो हम मान रहे हैं कि सालाना प्रीमियम का 10 गुना इन्होंने चुना, यानी कि डेथ बेनिफिट फैक्टर हो गया 10, राइट। तो बेस सम अश्योर्ड हमारा कितना था? 5,56,917 रुपए, उसका कंपेरिजन कर लेंगे टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, जो कि 5,25,000 होगा। सालाना प्रीमियम का हम 10 गुना निकालेंगे, क्योंकि 10 जो यहाँ पे आया वो हमने डेथ बेनिफिट फैक्टर माना है, क्योंकि इतना मान सकते हैं 30 साल की आयु पे, तो 5,00,000 हो जाएगा। कंपैरिजन कर लेंगे तो बेस सम अश्योर्ड जो कि 5,56,917 का है वही ज्यादा बैठेगा, राइट। और 10 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद में डेथ हुई तो गारंटेड एडिशन जो अमाउंट होगा 2,75,000 ही होगा। कैसे आया भी जस्ट आपको बताया ही था। तो बेस सम अश्योर्ड में 2,75,000 जोड़ दिया तो डेथ बेनिफिट 8,31,917 रुपए का यहाँ पे इनको मिल सकता है, राइट, इनके नॉमिनी को। अब सिद्धार्थ जी ने लिखा है कि इन्होंने 2 बार लगातार प्रीमियम पे कर लिया, तो हम ये मान रहे हैं कि इन्होंने 2 साल पे कर लिया है, राइट। अगर आप 2 साल पे कर चुके हैं तो उसके बाद में आप पॉलिसी को सरेंडर ही कर पाएंगे, क्योंकि आपने विड्रॉल के बारे में पूछा है, और सरेंडर की वैल्यू निकालने के लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का अप्लाई करना होगा आपको टोटल पेड प्रीमियम में, फिर उसमें जोड़ना होगा अक्योर्ड गारंटेड एडिशन में गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करके, राइट। अब ये प्लान जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यानी कंपनी ने विड्रॉ कर लिया। अब आपके पास ये प्लान है तो आपको अपना पॉलिसी बॉन्ड में सरेंडर वैल्यू फैक्टर टेबल चेक करना है, राइट, और जितना आपने बेस प्रीमियम पे किया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप फैक्टर का, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अक्योर्ड गारंटीड एडिशन कैसे निकालेंगे वीडियो में बता ही दिया है। बात आती है लोन की, तो सरेंडर वैल्यू का 90% तक लोन मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.50% है जो कि बदलता रहता है, फिक्स नहीं है। आपने धैर्य पूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और देखिए सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो है इनकी पीडीएफ में हमें मिला नहीं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिससे आपको ये बात कन्फर्म भी हो जाएगी, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अपना ध्यान रखिएगा आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।